राम राम जी, सभी भाइयों को स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ हैं आज भाई राज नारायण जी पंगाल। पंगाल साहब राम राम। राम राम, बाबा जी की जय हो। कल तो मैंने सुना इधर बड़ी गर्मा गर्म रैली हुई। हाँ, पूरे हरियाणा में ही रैलियां गर्मा गर्म है और खासकर दादरी वाली तो और गर्मा गर्म हुई। और सर, हरियाणा के बारे में अच्छी खबर बुरी खबर ये है कि मैंने सुना है, आपको भी पता होगा, आपके तो पड़ोस की बात है, कि दादरी में कोई रैली हो रही थी जहां राहुल गांधी मंच पर बैठे थे और वहीं पे राव दान सिंह जी और किरण चौधरी की आपस में लड़ पड़े और कांग्रेस की फूट जग जाहिर हो गई। और उसके बाद जो है मैंने सुना कि हुड्डा साहब जब मंच पे भाषण देने गए तो किरण चौधरी जी जो है उनकी कुर्सी पे जाके बैठ गई और एक तरह से उनकी कुर्सी कब्जा कर ली जो कि राहुल जी के बगल में थी। फिर मंच भाषण समाप्त करने के बाद हुड्डा साहब कुर्सी के लिए चिंतित दिखाई दिए और संघर्ष करते दिखे। तो सर, कुर्सी की जो लड़ाई है कांग्रेस में, ये तो कल सबके सामने आगे जग जाहिर होगी, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, ये सभी लोगों ने देखा है और जहां जा रैलियां हो रही हैं, उससे पहले मैं याद दिला दूं, जब इनके कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा था तो किस तरीके से ये जूतम पैजार हो रहे थे आपस में, गुटों में, और फिर उसके बाद अब रैलियों में किस तरह से जूतम पैजार हो रहे हैं। और हमारे जो बोड़ी बाड़ी है, जाट समाज है हरियाणा का, उसको किस तरीके से बहकाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज अंतिम दिन है, हरियाणा का जो पांच जो चरण का इलेक्शन है उसका 25 मई को जो इलेक्शन होगा उसका आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और अभी 10:15 बजे हैं और मैं भी 1 घंटे के बाद गुड़गांव जाऊंगा। मेरी बेटी का बिट्स पिलानी का टेस्ट है तो वहां भी जाके कुछ वकील साथियों से, सामाजिक व्यक्तियों से मैं मिलूंगा। और इतने दिनों से हम विश्लेषण कर रहे हैं और आप मेरे को मौका दे रहे हैं बाबा की खरी खोटी चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 96,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि शाम तक ये 1 लाख हो जाएंगे। आज मैं सीधा संवाद करूंगा मेरी जाट सरदारी से जो हरियाणा में है और जिसका मेरे को प्राउड है कि मैं जाट कौम से हूँ, और मैं उनको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत सारे साथियों ने कहा कि भाई आप 2009 से 2016 तक जो ओबीसी मूवमेंट था उससे बिल्कुल मतलब मेन की पॉइंट पे आप जुड़े रहे और आप जितना डॉक्यूमेंटेशन था वो आपकी नॉलेज में था, तो वो आज मैं सीधा संवाद करूंगा। और मेरे हाथ में है ये 2 सर्टिफिकेट हैं अजीत जी, ये है अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट और ये है स्पेशल बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, और दोनों सर्टिफिकेट 125 नंबर 126 नंबर इनका सीरियल नंबर है और ये 9 अक्टूबर 2014 को बने थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो जाट कौम है उसको पूरे भारत में अगर ओबीसी का स्टेटस दिया केंद्र सत्र पर, राजस्थान में दिया गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस स्टेटस दिया। उस स्टेटस के बाद जाट समाज का राजस्थान में क्या क्या चेंज आए हैं ये किसी से छुपे नहीं है। हम सोशल मीडिया पर, अखबारों में पढ़कर तालियां बजाते हैं, हर बार जो भी लिस्ट आती है, 1000 के करीब लिस्ट आती है, उसमें हमारे 25% के आसपास हमारे जाट समाज से पढ़े लिखे युवा यूपीएससी की लिस्ट में शामिल होते हैं। और हरियाणा का जाट ये चाहता है कि भाई वहां से लड़का है या लड़की हम रिश्ता करें, उनके साथ हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और जहां भी दिया है वहां पे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज हरियाणा पंजाब को छोड़ दे तो पूरे भारत में, प्रदेश लेवल पर, जम्मू को छोड़ दे, थोड़े हैं जम्मू में, तो हर स्टेट में प्रदेश लेवल पर भी ओबीसी का स्टेटस जाटों को है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी ये मांग पूरी करी थी कि इतनी दयनीय स्थिति थी वहां पे राजस्थान में जाटों की, तो जाट सरदारी ने, पूरे भारत की जाट सरदारी ने ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर हम आपको हमारी चमड़ी की जूती पहना कर भी दे दें तो वो भी कम है, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। और उस एहसान की वजह से आज उनकी लिविंग में जो अपग्रेडेशन हुई है,
वो सभी के सामने है, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में 2009 में जब ये सीआरपीएफ के कमांडेंट अवा सिंह सांगवान जी ने शुरू किया था, तो लोग उनको ये कहते थे जो इनलो से प्रभावित थे कि हम तो देने वाले हैं, हम मांगने वाले कब हो गए। तो मंडल कमीशन के दौरान हमारे जो भी नेता थे, जाट नेता थे, उन्होंने मंडल कमीशन की हियरिंग के दौरान भी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद भी इस बात का विरोध किया, क्योंकि उनको अपने बच्चे रजवाड़ों में ब्याहने होते थे, रियासतों में ब्याहने होते थे, और उनको ये लगता था कि ये रियासतें हमारे बच्चों से शादियां नहीं करेंगी, जैसे चौधरी देवीलाल का परिवार है, भूपेंद्र हुड्डा का परिवार है, रणदीप सुरजेवाला का परिवार है। तो इन्होंने अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरी जाट कम्युनिटी का ये नुकसान कर दिया कि अगर ओबीसी का स्टेटस हो गया तो हमें फिर दिल्ली में ये कहा जाएगा तुम तो पिछड़े हो। तो उस पिछड़े वाली बात को लेकर इन्होंने हमेशा गुमराह किया। और इस इलेक्शन के बाद अगर अजीत जी मेरी बोली वाली जाट कौम अगर दीपेंद्र हुड्डा को ही अपना नेता मानती है, तो मैं दीपेंद्र हुड्डा से भी इस बारे में बात करूंगा कि छोटे भाई अगर ये कौम तेरे को ही नेता मानती है तो इनको सबसे पहले सख्त जरूरत है ओबीसी का स्टेटस है। ये एक उस मरीज के ग्लूकोज के समान है, जब हॉस्पिटल में ले जाते ही उसको ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उस पर दवाई का असर शुरू हो जाए। तो आज हरियाणा की जाट कौम जो किसान आंदोलन में बुरी तरीके से पिट चुकी है, बीमार है, उससे पहले यशपाल मलिक ने इनको बुरी तरीके से लूटा खसूटा और गुमराह किया, नरे मुकदमे दर्ज करवाए हमारे युवाओं पे। तो इस कौम को सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया ओबीसी का स्टेटस। और भिवानी के स्पेशल में आज जाटों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आज 23 तारीख है अजीत जी, कि जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम मोदी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं, भाई जिंदा है रहने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी नहीं है। आप नोटा पे दबा दो, नोटा पे दबा के मोदी को दिखा दो, और दिखाने की क्या उड़ है, आप खेल के मैदान में दिखाई रहे हो, आप भारतीय सेना में शामिल होकर बॉर्डर पे दिखाई रहे हो कि जाट क्या है, जाट अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जाट अपनी मेहनत से अपनी सब कुछ जो पहचान बनाई है वो सब कुछ मेहनत से की है, किसी के भरोसे क्या है। तो इस कौम का जो दिया गया था कांग्रेस के मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ने जो रिजर्वेशन का स्टेटस, वो तीन यादव थे गुड़गांव के, उन तीन यादवों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई। सुप्रीम आम बोलचाल की भाषा में तो ये कह देते हैं अजीत जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का स्टेटस खत्म किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप कुछ नहीं करता है, वहां पे कोई अर्जी जाती है तब करता है। तो आज भी शाम 6 बजे तक प्रचार होना है, तो राव दान सिंह से एक बार ये पूछ लो कि भाई तेरे तीन या दो भाइयों ने हमारे पूरे हरियाणा समाज का ओबीसी का स्टेटस, जिसमें हजारों बच्चे बैंक में नौकरी लग गए थे, यूपीएससी में आ गए थे, वो उनकी ज्वाइनिंग रुक गई, और भिवानी और रोहतक के सबसे ज्यादा थे, हिसार के थे, तो क्या राव दान सिंह ने कभी उस बात के लिए माफी मांगी है? आज वो वोट मांगने आ गया, वो हमदर्द बन गया, और उसका भिवानी विधानसभा में गांव है पलादगढ़, भिवानी से ही उसने अपनी ग्रेजुएशन की है। अगर वो मतलब बहुत अच्छा है, मिलनसार है, 36 बिरादरी का ध्यान रखने वाला है, तो बाबा जी उसको भिवानी विधानसभा में इलेक्शन लड़ना चाहिए था, उसको महेंद्रगढ़ जाने की क्या जरूरत थी, उसको क्या मतलब था वहां पे बार बार। जाति एक ऐसा वर्ड है अजीत जी, वो कभी जाति नहीं है, उसको जातीय फायदा उठाना था, इसलिए वो महेंद्रगढ़ में विधानसभा इलेक्शन लड़ा। और आज के दिन ये स्थिति है कि फोन आ रहे हैं कि राजनारायण भाई जो तू पिछले दिनों से अजीत जी के साथ जो विश्लेषण कर रहा है, हमने रिजल्ट तो उछायाता दिखा है, मतलब धीरे धीरे लोग इस बात को मानने लगे हैं, और अभी तो आज का पूरा दिन है और कल का पूरा दिन है, और आपके पास भी बहुत सारे फीडबैक आते हैं कि किस तरह से लोगों को ये एहसास कराया जा रहा है कि भाई ये जो तुम पिछलग्गू का काम कर रहे हो, जो विरोध का काम कर रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस की बहकाई में आना। कब तक आओगे भाई तुम, कांग्रेस को आईना क्यों नहीं दिखाते? और कांग्रेस प्रधानमंत्री का दावेदार के लिए ये इलेक्शन होने जा रहा है, ये हमारा कोई निजी इलेक्शन नहीं है किसी प्रकार का। तो देश की तरक्की में जिन्होंने साथ देना है,
और जो देश के दुश्मन थे उन्होंने किसान आंदोलन का बहाना बना के दिल्ली को कितना परेशान रखा, हमारे युवाओं को कितना गुमराह किया, और कितने मुकदमे आज भी वो युवा को सरकारी नौकरी का फार्म नहीं भर सकते। तो इसकी बात कौन करेगा भाई? राजनारायण तो जरूर इस बात की चर्चा करेगा कि हे मेरे भोले भाले युवा साथियों, तुम ये आंदोलनों के चक्कर में, आंदोलन नहीं होता, किसी रोड को रोक देना, भारतीय कानून को तोड़ देना, ये कोई भी आंदोलन नहीं होता। जी अजीत जी, आपके पास भी बहुत सारे फीडबैक आए होंगे। जी आप, जी अजीत जी, मुझे एक बात बताइए। एक तो आपने कहा कि आंदोलनों ने खुद किसानों का नुकसान किया, हमारे देश के युवाओं का नुकसान किया, और हरियाणा इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी इसलिए रहा क्योंकि हरियाणा को खुद हरियाणा के ही किसानों ने, पंजाब से जो आए तो आए थे, एक डेढ़ साल तक चौक कर दिया, जिससे पूरा, आप देखो ना कि उधर पूरा गुड़गांव बेल्ट प्रभावित हुई, इधर पूरा रोहतक प्रभावित हुआ, सोनीपत प्रभावित हुआ, उधर फरीदाबाद तक जो है इसकी आंच पहुंची, तो कितना बड़ा इंडस्ट्रियल लॉस हुआ और एक खामखा जो अनार्की फैली, और किसानों को हासिल कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने ही हक में आए हुए फार्म बिल्स की वजह से अपना ही उनको वापस दिलवा के सरकार का क्या था, सरकार ने ले लिया, अब उनको वो बैकडोर से चले वापस लाएगी, चलिए ठीक है। सर इसके अलावा, फार्म बिल्स के अलावा, कल परसों जब हरियाणा की जनता वोट देगी तो उनको और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए, और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ, और ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया ये केंद्र के प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट दिया जा रहा है, तो ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप ध्यान दिलाना चाहेंगे हरियाणा की जनता के, भैया इन बातों का ध्यान रखो। देखो अजीत जी, पूरे वर्ल्ड में हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि हर खिलाड़ी ये चाहता है कि मेरा हरियाणा का आधार कार्ड हो और मैं भारत की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाऊं। क्यों ऐसा? यहाँ पे बाहर से लड़कियां आके मैरिज भी करी हैं, जो बहू बन गई हैं, उन्होंने यहाँ पे कैश अवार्ड मिला है, नौकरी मिली है, और ये आज ये आया हुआ है पर्चा, ये दीपेंद्र हुड्डा का, इस पे लिखा है कि पद पाओ और पदक लाओ, पदक पाओ की नीति लागू की जाएगी, दोबारा लागू की जाएगी। भाई आज कौन सा हरियाणा में खिलाड़ी बेरोजगार है? एक बता दो मेरे को कि कोई खिलाड़ी आज हरियाणा में जो पदक ले आया है वो बेरोजगार है। दूसरा, और चलो और तो कोई बात को नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, हमारे जो हरियाणवी युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, लाइब्रेरी में जाने लग रहे हैं, और जो अपने आप, जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं कब इंटरव्यू आ गया, कब वो सिलेक्ट हो गए, हमारे आस पड़ोस में सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है, तो भाई उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो? जो नौकरी नहीं लगा वो इसी वजह से नहीं लगा कि उस पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे को नहीं बताते, अपनी जात बचाने खातर। अगर लोग के कहेंगे रिश्ता नहीं होगा मुकदमे की बता दी, तो सरकार पर उंगली उठाने लग जाते हैं अजीत जी कि सरकार नौकरी ना देती, या बात कोई नहीं बताता कि भाई मेरा लेटर तो आया था। अब ये विपक्ष के नेता है, बहुत सारे विधायक भी है जिनके बच्चे इस सरकार में नौकरी लगे, अब ये लोग ही बता देंगे कमेंट करके किस किस वर्तमान विधायक, चाहे कांग्रेस का विधायक है, चाहे विपक्ष का विधायक है, उसके बच्चे भी नौकरी लगे हैं। अब मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में जरूर बताएं। तो भाई ये प्रदेश जब आगे बढ़ने लग रहा है और ये पूरे देश ने मन बना लिया है, तो आप अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाना चाहते हो? और मैं तो कहूंगा जी जी, अब समय आ गया है जाट जाति के लिए ताश उकर कांग्रेस, इन तीनों चीजों को छोड़ने का समय आ गया है, इनको छोड़ना पड़ेगा। और इनको छोड़ने के लिए जरूर कोई ना कोई जाट आगे आएगा, साधन संपन्न नहीं आएगा तो थोड़े दिन में जब परिसमन होगा अगला, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि इस परिसमन आयोग में सही ढंग से हर विधानसभा लोकसभा का परिसमन हो, जो भूपेंद्र हुड्डा ने ये दांधलेबाजी कर रखी थी, जो ये पटवार सर्कल के हिसाब से जो ये सारे गलत हलके बनाए, एक द्वेष में बनाए, उन सब को लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल बात है, आप अपने सही लाइन पर चल रहे हैं, हरियाणा का जाट युवा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, सिर्फ हमारे जो कुछ राजनीतिक से प्रेरित
व्यक्ति हैं उनके बहकावे में नहीं आना है, और थोड़े दिन या एक दशक के करीब इस राजनीति को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पांचवी छठी सातवीं आठवीं अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक घंटा कोई ना कोई ओलंपिक इवेंट कराओ, नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं उसको बढ़िया मेडिकल की तैयारी करनी है तो मेडिकल, या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो इंजीनियरिंग की तैयारी कराओ। अच्छा, गांव में ही हमारे इतने युवा हैं जो हर सब्जेक्ट के तीन तीन चार चार बहुत बढ़िया पढ़े लिखे युवा हैं, सरपंच के हाथ में है कि सरकारी स्कूल में वो उनको नौकरी दे सकता है, जो गांव के दहाड़ की दहाड़ जो इन प्राइवेट स्कूलों में जो जान लाग रही है उसकी बजाय अपने ही आप टीचर रख लो बढ़िया, पंचायत को पावर है उसकी तनख्वाह देने की, और तनख्वाह दो आप अपने, आपके गांव में बेटियां भी हैं और आपके गांव में बेटे भी हैं, आप उन बच्चों को गांव में ही पढ़ाओ, तो आप क्यों सरकारों के भरोसे रह रहे हो? ये किसने कह दिया कि ये शिक्षा सरकार का काम है? शिक्षा तो समाज का काम होता। जी जी जी, मैं एक चीज और जरा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आज हरियाणा, स्पेशली हरियाणा, पंजाब में मैंने ये चीज नहीं देखी, यूपी में भी नहीं देखी, आज हरियाणा की सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हरियाणा के युवा को एक बात, ये हरियाणा के पूरे समाज को ये बात समझा दी गई है कि सिर्फ सरकारी नौकरी में ही भविष्य है। एक तो इस सिंड्रोम से बाहर निकलें और इस तथ्य को समझें कि सरकारी नौकरी की लिमिटेशन है। पहली बात तो सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकती सरकार, जो सरकार सबको सरकारी नौकरी देगी वो देश का वेनेजुएला बना देगी। वेनेजुएला ने यही किया था, सारे देश को नौकरी दे दी। आज ये हालत है कि नमक नहीं नसीब हो रहा, रोटी खाने के लिए नमक नहीं है। दूसरी चीज, सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा। और तीसरी, आज हरियाणा के युवा को, हरियाणा के समाज को ये समझने की जरूरत है कि मोदी एक ऐसा भारत बना रहे हैं जिसमें आज से 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी करने वाला तो 30,000 रुपल्ली की नौकरी करके भूखा मरेगा, और जो आदमी छोटी सी स्किल, ऐसी स्किल जो 6 महीने में सीख जाता है आदमी सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करके, जो स्किल्ड होगा और वो बिना कोई पूंजी निवेश किए भी रोज का 5,000 रुपए कमाएगा आज से 5 साल बाद, यानी 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाएगा। आज विदेश में हमारा आदमी क्यों जाता है? क्योंकि विदेश का जो छोटा सा स्किल्ड लेबर है ना, वो PhD से ज्यादा कमाता है। जी, पढ़ाई नौकरी की बात नहीं है। जी जी, मैं हरियाणा में पेरेंट्स, इकलौता पेरेंट्स हूं, जो मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं। मैंने क्या किया, 2019 में मेरे दोनों बच्चों को एक एक घंटे के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में डाल दिया। उनके 3 साल बाद बीच में कोरोना भी आ गया, उनको इस देश के नंबर वन स्कूल दिल्ली कॉलेज ऑफ इंदौर ने, जो 156 साल पुराना, 112 एकड़ में है और जो 1200 एकड़ में शुरू हुआ था, और जो पूरे भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझेंगे कि इंदौर में दिल्ली कॉलेज की क्या रेपुटेशन है पूरे भारत में। वो स्कूल वाले दोनों बच्चों को ले गए 15-15 लाख रुपए स्कॉलरशिप है। अगर ये बच्चे तो हमें दे दो, 10वीं 12वीं में एडमिशन नहीं होता किसी का। जी जी, कहते हैं लोग 10वीं 12वीं में एडमिशन दिलवाया, दोनों बच्चों ने स्कूल को चैंपियनशिप दिलवाई, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया लेवल पे टूर्नामेंट होता है, 77 स्कूल आते हैं जिसमें राहुल गांधी और ये दुष्यंत चौटाला पढ़े हुए हैं, उन स्कूलों में उन्होंने मेडल दिलवाए स्कूल को। अब बेटा 11वीं और 12वीं वहीं से करेगा, बेटी की 12वीं होगी है। तो एक छोटी सी स्किल आपको आपके स्टूडेंट लाइफ में कितनी हेल्पफुल है, और उसी स्किल की वजह से उसको ऑस्ट्रेलिया से 100% स्कॉलरशिप मिली मेरी बेटी को। तो पेरेंट्स के लिए इसमें राजनीति की क्या जरूरत आ गई, इसमें मोदी ने मेरी क्या मदद कर दी, मनोहर लाल ने मेरी क्या मदद कर दी? बल्कि मैं तो भिवानी में उनका आर्म लाइसेंस बनवाने गया था, वहां के DC ने वो आर्म लाइसेंस नहीं बनाया। मतलब वो अधिकारी तो आपके टांग अड़ाऊंगे, वो दंगल फिल्म में जो महावीर फोगाट की हालत दिखाई है ना, इस देश में बेटी का बाप होना सबसे बड़ा श्राप है, लेकिन आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दर दर आपको महसूस कराया जाएगा कि क्यों बालक ने
आप खेल बबाड़ रहे हो और आप छोरी पे क्यों पैसा लगाने लग रहे हो, ये इसे भारत की मानसिकता है। लेकिन क्या मैं रुक गया? मैं तो नहीं रुकया, मैं सरकार मेरी मदद करो ना करो मैं मेरे लेवल पे लगा हुआ हूँ, मैं मेरे लेवल पे उनको अच्छी एजुकेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं जुड़ना चाहता और मैं मेरे जाट समाज को इस राजनीतिक दल से मैं चाहता हूँ वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में उनको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाए? अपने बच्चों पे ध्यान दे लो भैया, कुछ नहीं दे रहा है। जो मेरी पीढ़ी के पेरेंट्स हैं वो अपने सिर्फ इन इन, इन गाड़ी ठाई आंडो हो, अपने पैसे खराब करो हो, अपने घर में इनके प्रोग्राम कराओ हो, इनके खातर मिठाई लाओ हो, इनके खातर चंदा दो हो। यशपाल मलिक ने अजीत जी क्या किया, जून 2016 में मेरा बाबू तो हॉस्पिटल में पड़ा, हार्ट उसका कमजोर था, 10% काम कर रहा था। मैंने मेरे मामा पीछे मांग लिए, बड़ा मामा मेरा, कि मामा पैसे दे। बोला भाई मैंने 51,000 तो जो है ना यशपाल मलिक को देने के लिए रख रखे हैं। मगा मामा यो तेरा जो बटे हुए एक्सपायर हो गया तो 51,000 तेरा भला कर देंगे। तो जी मैंने पैसे इकट्ठे इकट्ठे करके वहां पे फरीदाबाद में ले गया, उनका इलाज कराया और मामा के मैंने जब वो पैसे जो मशीन में देने लग गया तो 5,000 रुपये कम थे जो मामा गड्डी ले रहा था। तो मैंने कहा मामा उन हॉस्पिटल वाले ने मशीन में डाला था और वो सीसीटीवी में है और वो वहां पे 5,000 रुपये कम पाए। तो बोला भाई मन्ने तो पूरे 51,000 दे रहे थे, मेरे तो पूरे 51,000 रुपये दे तू। तो मन्ने जी पूरे 51,000 रुपये दिए और वो 51,000 रुपये मेरा मामा यशपाल मलिक ने देखा आया। के होया जी आज, मतलब मेरा चाचा ताऊ मामा फूफा 51,000 है उस यशपाल मलिक को दे दिए, आज उस पैसे का क्या हुआ? यह है मेरी जाट समाज, यह है मेरी जाट समाज की हकीकत है। इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इस भंवर में इसका हाथ छोड़ दो, इसको अकेला छोड़ दो, इसका नाश होना तय है। इसको छोटराम की तरह किसी को आगे आना पड़ेगा और इस चीज से इनका पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जी जी जी। तो जी आज का सर ये हमारी चर्चा रही कि हमारे युवाओं को, हमारे समाज को किन बातों पे विचार करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रख के वोट देना चाहिए, और ये आत्मनिरीक्षण की घड़ी है और देश के लिए। अब आज अंतिम दिन है हरियाणा में चुनाव प्रचार का, कल का दिन रेस्ट करेगा, कल सोच विचार करके अच्छी से अच्छी सरकार देश के लिए चुने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंगाल साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।